राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 का 190 वर्ष का कालखंड, जिसमें भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए कट जाने वालों के नायक नायिकाओं की, क्रांति वीर वीरांगनाओं की एक बहुत बड़ी पंक्ति, बहुत बड़ी श्रृंखला, लेकिन अज्ञात, कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं उनको कोई स्थान नहीं मिला, शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ, स्वर्ण पृष्ठ लिखने वाले इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास 609-10 ऐसे कुछ वीडियोज आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। मेरा ये अभियान बहुत लंबा चलने वाला है, अभी 190 वर्ष का ही कालखंड नहीं मैं समाप्त कर पा रहा। इसी कालखंड के लगभग 1500 से ऊपर मैं क्रांति वीर वीरांगनाएं आपके सामने ला चुका हूं, अज्ञात, अल्प ज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात। और जब सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 1000 साल का, इससे भी ज्यादा का कालखंड मैं लाऊंगा, तो ऐसे शौर्य और वीरता के, ऐसे अज्ञात पृष्ठ जो कहीं लिखे नहीं गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत लोक कथाओं में कुछ ना कुछ मिलता है, उन सबको इकट्ठा करके आपके सामने लाने का एक बड़ा अभियान, बड़ा प्रयास। पर चलिए, अभी 190 वर्ष के कालखंड में भी मैंने अभी जो लिया है, अभी तो 1924 से 1942 केवल 18 ईयर्स में, इस 18 ईयर्स के बीच में से भी मैं आपको लगभग 200 क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं आपके सामने ला चुका हूं। चलिए, ऐसे अज्ञात मौन तपस्वियों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज एक महान क्रांतिवीर श्री प्रेम किशन खन्ना के बारे में कुछ जानेंगे। शाहजहांपुर नगर के बाहर एक उद्यान में, बाग में, पार्क में दो युवक बातें कर रहे थे। उनमें से एक का नाम था श्री राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे का था श्री प्रेम किशन खन्ना। बिस्मिल के हाथ में एक माउजर पिस्तौल थी, जिसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन वे अपने मित्र श्री प्रेम किशन खन्ना की सहायता से कर रहा था, पूछ रहा था ये क्या है, कैसे चलती है। वो माउजर पिस्तौल स्पेशल थी, वे माउजर पिस्तौल प्रेम किशन खन्ना की थी, और इसका उसके पास लाइसेंस भी था, उनके पास, प्रेम किशन खन्ना के पास। खन्ना के पिता ईस्टर्न रेलवे में एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। प्रेम किशन स्वयं भी दिल्ली में ठेकेदारी के काम से अच्छा अर्थोपार्जन धन कमा रहे थे, अर्थोपार्जन कर रहे थे। बैठे बैठे दोनों में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत का प्रारंभ प्रेम किशन खन्ना ने किया, क्या कह करके, तुम्हारी कार्य योजना शायद अंतिम रूप ले चुकी होगी। अब वो समझ रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल तो, समझ के भी कुछ है करने का इनके मन के अंदर इरादा है, अंतिम रूप ले चुकी होगी तुम्हारी योजना, क्रांतिकारी नियमों के अनुसार, मैं ये तो नहीं पूछना चाहता कि तुम ऐसा क्या काम अपने हाथ में लेने जा रहे हो, पर मित्र के नाते इतना अवश्य पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं मेरे सहयोग की भी आवश्यकता है। बिस्मिल ने जवाब दिया, सहयोग ही नहीं, मुझे तुम्हारा सक्रिय सहयोग चाहिए, और अपनी कार्य योजना को पूरा करने के लिए
इस पिस्तौल की आवश्यकता के अनुसार मुझे और भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं ये पिस्तौल, इसने बोला, राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला कि ये पिस्तौल तुम्हारी मैं अपने साथ रखना चाहता हूं अगली घटना को अंजाम देने के लिए। प्रेम किशन खन्ना ने कहा, यदि ये मेरी पिस्तौल तुम्हारे काम आए तो भला मैं इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या होगा, मैं इसे बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझूंगा। वैसे तो स्वयं अपनी सेवाएं देने के लिए भी मैं तैयार हूं, पर शायद तुम्हें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ विश्वस्त साथियों को विशेष परिस्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाए, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेम किशन खन्ना को बोला और पिस्तौल, मौजूद पिस्तौल ले ली। यदि सभी साथियों को एक साथ झोंक दिया जाए तो दल का काम आगे कैसे चलेगा भाई? जैसे तुम्हारी इच्छा, प्रेम किशन खन्ना ने राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हुए, ठीक है, ऐसे मामलों के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर होते नहीं, करने भी नहीं होते, पर इतना ध्यान रखना कि किसी काम के लिए प्रेम किशन खन्ना, किसी भी देश के काम के लिए, आजादी के काम के लिए ये प्रेम किशन खन्ना पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जिस भी दांव पर ये मोहरा लगाना पड़े, कभी संकोच मत करना बिस्मिल। प्रेम किशन खन्ना के इस आश्वासन से राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत बल मिला, गदगद हो गया कि नहीं, भारत माँ की गोद में अभी ऐसे एक से एक बढ़कर के मस्ताने, मतवाले, दीवाने, क्रांतिकारी वीर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत बल मिला। हा, कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया, वो तो बिस्मिल के दिमाग में था, और क्रांतिकारियों ने काकोरी के निकट ट्रेन रोककर अंग्रेजी खजाना लूट लिया जिसके लिए मौजूद पिस्तौल ली गई थी। अब ये काकोरी कांड, रामप्रसाद बिस्मिल, सरकारी खजाना, इस पर बहुत एपिसोड में ये वर्णन आ चुका है, आज मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ दिन के पश्चात, अब सरकारी खजाना लूट लिया, कुछ दिन के पश्चात जब धरपकड़ शुरू हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल के पास जो मौजर पिस्तौल मिला वह वही था जो उन्होंने प्रेम किशन खन्ना से लिया था। प्रेम किशन खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मुकदमे के परिणाम स्वरूप जो उस पर चलाया गया, 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। अपना जेल जीवन प्रेम किशन खन्ना ने बड़े धैर्य और साहस के साथ तो काट लिया, लेकिन अपने मित्र रामकृष्ण बिस्मिल की फांसी से उसे बहुत बड़ा आघात लगा। रामकृष्ण बिस्मिल की फांसी ने उसे बहुत आघात पहुंचाया। वे सोचता रहा क्या कि रामप्रसाद बिस्मिल फांसी के मामले में मेरे से आगे निकल गया और मैं अपने मित्र से यहां पिछड़ गया। कंपटीशन भी क्या था कि मुझे फांसी होनी चाहिए थी, फांसी मुझे पहले लगना चाहिए था। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा जीवन का, बहुत बड़ा उनका जीवन चरित्र मैंने आपके सामने रखा है कई एपिसोड्स के अंदर। चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेक कुछ चरित्र ऐसे हैं
क्रांतिकारी बहुत थे, पर कुछ लोगों का बहुत सारी घटनाओं में कहीं पर्दे के आगे कहीं पर्दे के पीछे हाथ था। लंबे समय तक अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को खौफ में, डर में, चिंता में डाल के रखा था। ऐसे महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का तो था ही था, लेकिन आज हमने एक और नाम जोड़ दिया, श्री प्रेम किशन खन्ना। ऐसे कोई नाम नहीं जानता भाई इनका। ये जो जितने क्रांतिकारी मैं आपको दे रहा हूं, 99% लोगों को कोई नहीं जानता। ये मौन तपस्वी हुतात्मा भारत माँ के स्वतंत्रता रूपी महायुग में आहुत होने वाले, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले, फांसी के तख्ते तख्तों के ऊपर झूल जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ने वाले और धरती पर घोर नार किए रकाला पानी की जेलों के अंदर 90% क्रांतिकारी वहीं मर खप जाने वाले, लेकिन किसी का नाम नहीं। मेरा एक प्रयास है जो मैं आप तक पहुंचने का कर रहा हूं, जिन्होंने वास्तव में देश की आजादी के लिए वीर वीरांगनों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, निशावर किया, उनका नाम नहीं और बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कभी कभी पूछ लिया करो उनसे, उन्होंने एक लाठी नहीं खाई थी भाई, उनकी जेलें भी स्पेशल होती थी दोनों की। मैं बहुत कुछ तथ्यों के साथ उनकी बातें रख चुका हूं, पर एक बात तो आप हमेशा ही पूछ सकते हैं, जो शाम को टीवी चैनल के ऊपर बोलते हैं कि आजादी कांग्रेस ने दिलवाई। अरे कांग्रेस तो अंग्रेज ने बनाई, वो आजादी देने के लिए बनाई थी कि अपने सुरक्षा कवच की दृष्टि से बनाई थी? कौन लोग लिए थे, क्या क्या चल रहा था, कितने साल तक अंग्रेज प्रेसिडेंट था, जब वीर सावरकर क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को जब 2 जन्म का कारावास का दंड सुनाया गया तो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां का सेक्रेटरी था। चलिए कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई, बहुत बड़ा मजाक, नेहरू और गांधी ने दिलाई ये उससे भी बड़ा मजाक, और जो आजादी के वास्तव में कुर्बान होने वाले बलिदानी लोग थे, उन सबको इतिहास में कहीं ना देख करके कष्ट हो रहा है। अब मैं लगा हूँ लगभग 3-1 साल से ये 610 वीडियोज आप तक पहुँचाई हैं, ये 2,2500 वीडियोज आप तक पहुँचेंगी और 1,1200 साल का कालखंड आपके सामने आएगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।